हेलो एवरीवन, आज हम श्री अमिताभ बच्चन जी की रियलिस्टिक ड्राइंग बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं HB पेंसिल से लाइट शेड करके बेस लेयर बनाऊंगा। HB पेंसिल के अलावा आप 2B पेंसिल का इस्तेमाल करके भी लाइट शेड कर सकते हैं। शेडिंग हो जाने के बाद हम मेकअप ब्रश का यूज़ करके ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग करने के लिए आप टिश्यू पेपर या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बेस लेयर में शेडिंग और ब्लेंडिंग करने के बाद हम आईज ड्राइंग से शुरुआत करेंगे। आईज ब्लेंडिंग के लिए आप ईयरबड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं 2B पेंसिल का इस्तेमाल करके ही थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके जो डार्क एरियाज है उन्हें ड्रॉ करूँगा। अब मैं 4B पेंसिल लेके फेस पर जो डार्क एरियाज है उन्हें हल्के से ड्रॉ करूँगा। ड्राइंग करते वक्त आपको हमेशा लेयर बाय लेयर ही काम करना होगा। जैसे कि पहली लेयर हमने बनाई 2B पेंसिल से, अब दूसरी लेयर बनाई 4B पेंसिल से, ऐसे करते करते हमें लेयर में काम करना होगा, तभी हम रियलिस्टिक शेड्स अचीव कर सकते हैं। ड्राइंग करते वक्त आपको रेफरेंस इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा कि कौन से एरियाज में डार्क शेडोज है और कौन से एरियाज में हाईलाइट्स है। इस एरिया को ब्लेंड करने के लिए मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प्स का इस्तेमाल किया है। अब मैंने हाइलाइट्स ड्रॉ करने के लिए नीडेड इरेजर का इस्तेमाल किया है। और अगर आपके पास नीडेड इरेजर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी नॉर्मल इरेजर से हाइलाइट्स कर सकते हैं। हाइलाइट्स हो जाने के बाद पूरे फेस को मैंने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके ब्लेंड किया है ताकि रियलिस्टिक इफेक्ट्स आ सके। अब हम हेयर्स ड्रॉ करेंगे। हेयर्स ड्रॉ करने के लिए मैंने 8B और 10B पेंसिल का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले तो मैं 8B पेंसिल लेकर हेयर्स जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाऊंगा। हेयर्स ड्रॉ करते वक्त आपको हेयर्स के जो स्ट्रोक्स है वो बहुत स्लोली लगाने हैं क्योंकि जल्दबाजी में आपको रियलिस्टिक आउटपुट नहीं मिलेगा। मुझे भी हेयर्स ड्रॉ करते वक्त काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, पर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने टाइम लैप्स वीडियो बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि अब तक मैंने सिर्फ 8B पेंसिल का ही इस्तेमाल किया है। जब हम हेयर स्ट्रोक करते हैं तब हम इनिशियल स्टेज पर जब स्ट्रोक लगाते हैं तब हमें सिर्फ 8B पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि हेयर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको लाइटली स्ट्रोक लगाने हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको रेफरेंस इमेज अच्छे से ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए। अब हम हेयर्स को ब्लेंड करने के लिए मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब हम 10B पेंसिल का इस्तेमाल करके जो डार्क एरियाज है या फिर जहाँ पर ज़्यादा शेडोज है वो ड्रॉ करेंगे।
आप देख सकते हैं कि मैंने रेफरेंस इमेज देखकर कैसे जहाँ पर डार्क एरियाज है वहाँ पर शेडिंग की है। अब मैंने हाइलाइट्स करने के लिए टॉम्बो मोनो इरेजर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी नॉर्मल इरेजर से भी हाइलाइट्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर देना, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को ख़त्म हो जाने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।